नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं कृषि जगत टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक छोटा सा जोगाड़ दिखाएंगे जो कपास को आसानी से बोने के लिए आप लीक लगा सकते हैं, लाइन लगा सकते हैं। देख लीजिए किस प्रकार से ये जोगाड़ तैयार किया गया है। एक पाइप के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें केवल पाइप के जो कुंदे हैं उन्हीं का यूज किया गया है, जो कुंदे हैं उन्हीं का यूज किया गया है। देख लीजिए, पांच कुंदे हैं तथा बीच में भी एक कुंदा लगाया गया है और एक लकड़ी का हैंडल लगाया गया है और दोनों तरफ रस्सी की सहायता से बांध दिया गया है, क्योंकि इसे लाइन सीधी लगेंगी। अगर आपका हैंडल टेढ़ा हो जाएगा तो टेढ़ी लाइन लगेंगी, इसलिए हमें इस दोनों तरफ इन रस्सियों की ज़रूरत पड़ती है। देख लीजिए किस प्रकार से लाइन लगाई जा रही हैं। इस प्रकार से आप भी लाइन लगा सकते हैं। और हाथ से बुआई कर सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, कितनी सीधी लाइन ये खींच रहा है। इस प्रकार से आप भी अपने खेत में लाइन लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप भी अपने खेत में सीधी लाइन लगा सकते हैं। ये लाइन की दूरी जो ट्रैक्टर के बीच में होती है, यानी ट्रैक्टर जिस प्रकार से कपास को बुआई करता है, उतनी ही दूरी इनके बीच में रखी गई है। लाइन टू लाइन दूरी उतनी ही रखी गई है जितनी ट्रैक्टर के द्वारा हम कपास को बुआई करते हैं, क्योंकि हमें कपास की ट्रैक्टर में की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसकी लाइन इतनी ही लंबाई रखते हैं, यानी इसके बीच की दूरी इतनी ही रखते हैं ताकि ट्रैक्टर से हम इसमें प्लाव लगाएंगे या उसको खरपतवार को हटाएंगे तब ट्रैक्टर से आसानी से किया जा सके। कमेंट करने में आपका क्या जाता है, कमेंट करके आप भर दीजिए कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो अच्छा बताना, और आपको अगर अच्छा ना लगे तो उसके बारे में ज़रूर वर्णन करना। दोस्तों, इस वीडियो